वेलकम टू ग्लोबल एजुकेशन सोशल स्टडीज क्लास 8 चैप्टर 7 गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स आर्ट इन मॉडर्न इंडिया रिवीजन। ये चैप्टर का वीडियो हम आपके लिए पहले बना चुके हुए, उसमें हमने आपको डिटेल से समझा दिया हुआ है। ये वीडियो जो है ये सिर्फ रिवीजन के तौर पर है और रिवीजन में आपके पास में इसमें नोट्स भी आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्ट इन मॉडर्न इंडिया इंट्रोडक्शन। आर्ट जो है वो ह्यूमन माइंड और सोसाइटी में क्या चल रहा है उसको दर्शाती है, और एंशिएंट टाइम से इंडियन आर्ट और कल्चर जो था वो दुनिया में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर था। आर्ट जो है वो कल्चर दिखाता है कि कैसा कल्चर है उस जगह का। इंडियन आर्ट जो है, इंडिया जो है वो आप जानते हो कि यूनिवर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी तो यहाँ पे भर भर के है लेकिन फिर भी यूनिटी है लोगों में, इसके लिए इसको कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इंडियन आर्ट भी उसी तरीके से डाइवर्सिटी के अंदर में यूनिटी दिखाता है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सेक्युलरिज्म भी दिखाता है, ग्लोबलिज्म भी दिखाता है, बहुत कुछ दिखाता है। मगर ये चैप्टर जो है आपका, आपके सिलेबस का चैप्टर जो है, ये आर्ट की पूरी चीज़ों के ऊपर नहीं फोकस करता है, ये सिर्फ फोकस करता है पेंटिंग्स पर। फाइन आर्ट इन मॉडर्न टाइम्स, विजुअल आर्ट, और उसमें से भी पेंटिंग्स पे मेनली फोकस करता है, बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करता है। क्या आर्ट में सिर्फ पेंटिंग्स होती हैं? नहीं। चलिए देखते हैं दो टाइप की आर्ट्स डिफाइंड हैं। नंबर वन है विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स में आती है पेंटिंग, स्कल्पचर, हैंडीक्राफ्ट। तो विजुअल आर्ट में ही आ जाती है पेंटिंग, लेकिन पेंटिंग के अलावा स्कल्पचर, स्कल्पचर यानी कि मूर्ति जो स्टैच्यू होती है, हैंडीक्राफ्ट जो कपड़े के ऊपर या जो और किसी चीज़ के ऊपर हाथ से जो काम किया जाए, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से क्राफ्ट किया जाए, उसको हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर ये ज़्यादातर विलेज आर्ट रहती है, यानी कि ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट कह लीजिए। फिर नंबर दो पे विजुअल आर्ट नंबर वन था, नंबर टू पे आता है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट में आता है म्यूज़िक, डांस, ड्रामा। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे बजाते हैं, कैसे बनाते भी हैं और कैसे बजाते भी हैं, ये सारी चीज़ें एक कला है, एक आर्ट है। तो आर्ट के आपके दो रूप हो गए, एक तो विजुअल आर्ट हो गया, एक परफॉर्मिंग आर्ट हो गया। उसमें से विजुअल आर्ट में से सिर्फ पेंटिंग के ऊपर ये चैप्टर फोकस करेगा और कुछ नहीं करेगा ये चैप्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंटिंग, एंशिएंट टाइम से पेंटिंग के बारे में अगर इंडिया में हम बताएं आपको, तो पेंटिंग इंडिया में जो थी वो नेचर, रिलीजन, ये सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड थी। भगवान, गॉड्स, गॉडेस, देवी देवता, एनिमल, जानवर, बर्ड्स, परिंदे, फिश, ऐसे सब चीज़ों के ऊपर, यही सब मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर सारे के सारे पेंटिंग्स वगैरह बने थे इंडिया में। उसके बाद में इंडिविजुअल्स और उनके सोशल कस्टम्स जो उस जगह पे होते हैं, सोशल कस्टम्स, उसके ऊपर भी पेंटिंग्स बनी। इंडिया में पहले बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी, जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से आती थी, तक्षशिला और नालंदा, वो आर्ट की एजुकेशन भी देती थी अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को। तो ये तो हो गया एंशिएंट टाइम्स में इंडिया में आर्ट कैसे चलता था। इंडिया में आर्ट की एजुकेशन भी होती थी और वहाँ पे दुनिया भर में उसका आर्ट जो है सराहाया जाता था, मतलब प्रशंसा करी जाती थी, प्रेज करी जाती थी, दुनिया भर में उस आर्ट की वैल्यू थी। अब हम आते हैं ब्रिटिश रूल के दौरान, जब इम्पीरियलिज्म आ गया, कॉलोनियलिज्म आ गया इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर अपना रूल स्थापित कर लिया, उस टाइम पे आर्ट का क्या हुआ? इंडियन आर्ट तो एक तरीके से भूल ही गए उस जमाने में, कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट नहीं थे, कोई एजुकेशन नहीं था आर्ट का, गुजरात में तो बिल्कुल ही नहीं था। 1877 से लेके 1878 पे महाराजा प्रगमल जी जो कच्छ के राजा थे, उन्होंने भुज में एक स्कूल ऑफ आर्ट चालू किया, आर्ट स्कूल।
महाराजा सायजी राव गायकवाड़ वडोदरा के, उन्होंने कला भवन बनाया। कला भवन में आर्ट की एजुकेशन दी गई। इंडस्ट्री में कैसे आर्ट जो है वो चलेगा, तो उसके ऊपर उन्होंने फोकस रखा और इंडस्ट्री में आर्ट को एनकरेज करा, यानी कि कमर्शियल तौर पे कैसे चलेगा आर्ट। और ये कला भवन जो है ये आज फैकल्टी ऑफ आर्ट कहलाती है, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, वडोदरा के MSU महाराजा सायजी राव यूनिवर्सिटी में। तो 1951 में अहमदाबाद में सेठ चिमनलाल नागेंदास विद्यालय की स्थापना हुई। आप इसको सेठ CN विद्यालय भी कहते हो। ये अंबावाड़ी अहमदाबाद में है। यहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए कोर्स शुरू कराया गया, जिसको कहा गया DTC, ड्राइंग टीचर्स सर्टिफिकेट। DTC का मतलब ड्राइंग टीचर्स सर्टिफिकेट। रसिकलाल परेख यहाँ के पहले प्रिंसिपल बने। बाद में 1960 में इसको कला महाविद्यालय के नाम से जाना गया, इसका नाम चेंज कर दिया। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग इंडिया में हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो स्टोन एज से, अब आप कहिए कि इंडिया में पेंटिंग चल रही थी। स्टोन एज यानी कि आदि मानव जो था वो अब पत्थर तक पहुंच गया था, तो पत्थर से उसने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, भाले, तीर कमान और क्या क्या, हथौड़ी, छैनी, जो भी बनाया उसने तीर कमान पत्थर से बनाया, चाहे वो फार्म में खोदने के लिए इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक्स हो काटने के लिए। तो उस जमाने में 7000 ईयर्स BC की केव्स मिली थी मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। वहाँ पे पहला एविडेंस हुआ इंडियन पेंटिंग्स का। नेचुरल कलर्स यूज़ करे गए थे दीवारों पे, केव्स की गुफाओं की दीवारों पे ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं। फिर हम आते हैं 2000 BC, 2000 साल क्राइस्ट से पहले, नरसिंहगढ़ महाराष्ट्र में। यहाँ पे बिर्च की पत्तियों पर, केव्स में, रॉक्स पे, पत्थरों पे, मंदिरों में, मोनास्ट्रीज में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट पर पेंटिंग्स मिली। फिर हम आते हैं गुप्ता पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी में। तो ये गुप्ता डायनेस्टी जो है, गुप्ता पीरियड जो है, ये बेस्ट टाइम माना जाता है इंडियन पेंटिंग्स के लिए। अजंता एलोरा केव्स की पेंटिंग्स जो दुनिया भर में मशहूर है, वो भी इसी ज़माने में बनी। और इस पे जाटका टेल्स दिखाई गई हैं अजंता एलोरा की केव्स में। अजंता एलोरा की केव नंबर 1, 9 और 10 बहुत ही फेमस है, दुनिया भर में फेमस है। पद्मपनी बुद्धा जी भी यहाँ पर एक मूर्ति है, एक है उसमें पेंटिंग, इन सब में से एक पेंटिंग पद्मपनी बुद्धा जी की भी है, और ये वर्ल्ड फेमस चीज़ें हैं। फिर बदामी केव्स कर्नाटका है, वहाँ पे भी पेंटिंग्स देखी जाती है। कांजीपुरम और सीता वंसल केव तमिलनाडु में, कांजीपुरम उसके अलावा साड़ियों वगैरह के लिए भी बहुत मशहूर है। फिर हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग्स में ही थे हम, थोड़ा और आगे की तरफ आ रहे, 7000 BC से अब प्रेजेंट डेज की तरफ पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं तमिलनाडु के बृहदेश्वरा टेम्पल। यहाँ की वॉल्स जो हैं, दीवारें जो हैं, पेंटिंग्स से सजाई गई हुई हैं। इंडिया के जो एपिक्स थे, जो ग्रंथ थे, उनकी पेंटिंग से सजाई गई हैं। फिर प्री मेडिवल पीरियड, राजपूत और मुगल पीरियड के ऊपर हम आते हैं। तो वहाँ पे मुगल एम्प्रेस जो थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, सब आर्ट और ये सब चीज़ के बहुत प्रेमी थे। उन्होंने बहुत प्रमोट किया और बहुत पैट्रोनेज दिखाया आर्ट की तरफ। जहांगीर ने तो एक पेंटिंग गैलरी भी स्थापित करी। फिर भक्ति मूवमेंट जो था वहाँ पर पेंटिंग्स की डेवलपमेंट, भक्ति मूवमेंट से पेंटिंग की डेवलपमेंट तक पहुँच गए हम।
मतलब अब क्रांति आ रही थी पेंटिंग में, डेवलपमेंट का मतलब क्रांति आ रही थी उसमें, नए आविष्कार, नई चीज़ें, अलग अलग तरीके की चीज़ें, प्रयोग हो रही थी, एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। 1750 के बाद में सेमी वेस्टर्न स्टाइल पेंटिंग आया, मतलब कुछ इंडियन कुछ वेस्टर्न, सेमी वेस्टर्न स्टाइल पेंटिंग 1750 AD में शेख ज़ियाउद्दीन के बर्ड स्टडी करवाया लेडी इम्पी ने, तो उसके दौरान ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। उसके अलावा गुलाम अली खान ने पर्सनल पोर्ट्रेट्स बनाई, विलियम फ्रेज़र और कर्नल स्किनर की, तो इसमें भी उन्होंने इंडिया और वेस्टर्न आर्ट दोनों को मिला के मिश्रण करके उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। तो यहाँ से स्टार्ट होता है सेमी वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, मतलब इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल को मिला जुला के पेंटिंग करना। फिर हम आते हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो है रॉयल फैमिली के थे, ट्रावेंकोर केरला के, बहुत अच्छी उन्होंने एक्सलेंट ऑयल पेंटिंग्स बनाई। इंडियन माइथोलॉजी, जो इंडिया के पुराने ज़माने के जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनके ऊपर, और साथ में उस ज़माने के सोशल इश्यूज़ के ऊपर, इनकी गॉडेस सरस्वती, माता सरस्वती, जो एजुकेशन आप जो पढ़ रहे हो तो एजुकेशन आप ग्रांट आपको मिल रही है, तो एजुकेशन की देवी भी कहलाती है सरस्वती, तो गॉडेस सरस्वती की इनकी जो पेंटिंग है वो बहुत ही फेमस हुई है। फिर 19th सेंचुरी तक अब हम पहुंच गए हैं, तो 19th सेंचुरी में आर्ट में रेनेसांस हुआ, रेवोल्यूशन जैसा हो गया, हलचल इतनी ज़्यादा हो गई और इंडियन आर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग गया इस दौरान। 1858 AD सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में खुला। 1890 AD कला भवन, जो अब फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स कहलाता है, MSU में है, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ वडोदरा के राजा थे उनके अंडर में ये कला भवन खुला, जिसको आज फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स कहते हैं। फिर 1901 AD शांति निकेतन, शांति निकेतन को किसने एस्टैब्लिश किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पर कला के मास्टरपीसेस क्रिएट होने लग गए, और साथ में शांति निकेतन में एजुकेशन भी देते थे, उनका नज़रिया कुछ अलग था, नेचर के साथ बहुत ज़्यादा आकर्षित थे वो, और नेचर के ऊपर ही सब कुछ करते थे। फिर 1948 AD में हम आते हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बना, जिसके लीडर्स, प्रमुख लीडर थे फ्रांसिस न्यूटन सोजा, SH रजा, SK बाकरे, ये स्ट्रॉन्ग मॉडर्न पेंटिंग्स इंडिया में इसके लिए जाने जाते हैं। 1950 में फोटो गैलरी इस्टेब्लिश हुई कैलकटा और मुंबई में, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट भी 1950 में इस्टेब्लिश हुआ चेन्नई में, जिसको आज चेन्नई कहते हैं, पहले मद्रास कहते थे। इसको स्थापित करने वाले थे KCS पनिकर और देवी प्रसाद रॉय चौधरी, ये एक ही नाम है, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, ऐसा मत सोचिएगा कि अलग अलग नाम है, देवी अलग है, प्रसाद अलग है, रॉय अलग है, चौधरी अलग है। फिर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पर हम आते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी कलेक्शन है मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स की, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे आर्ट को डेवलप होने का मौका मिला मॉडर्न इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में। अभी हम मेथड पे आते हैं, मेथड ऑफ पेंटिंग। मेथड ऑफ पेंटिंग में करीब 6 मेथड है पेंटिंग के। पहला होता है केव पेंटिंग, इसमें इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है वो दर्शाई जाती है, और जो पुराने ज़माने के लोग थे वो इसको पेंट करते हैं। स्टोन एज के ज़माने से ये पेंटिंग चली जा रही है, 7000 BC से, बिफोर क्राइस्ट, AD BC केव्स में। फिर 2000 BC में अजंता एलोरा केव्स में, ये सब चलता रहा 7000 BC से लेके 9th सेंचुरी तक, मतलब AD तक ये चलता रहा। और फिर आते हैं रॉक पेंटिंग्स।
अभी केव्स, केव्स की दीवारों पे आप रॉक पे आ जाएंगे। तो रॉक पेंटिंग्स में पत्थरों के ऊपर पेंटिंग करी गई है। इसमें ज़्यादातर आते हैं हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन स्टाइल, मतलब रॉक पेंटिंग के बाद में अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे गैप देना भूल गया हूँ मैं। तो हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। इसमें रिलीजन ही सर्वप्रिय है, बीच में सब कुछ रिलीजन है। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसके ऊपर, उसको ही सेंटर में रखते हुए ये स्टाइल बनाया गया, जो मंदिरों में, मोनास्ट्रीज में दीवारें इससे डेकोरेट करी गई हैं। फिर हम आते हैं म्यूरल्स, रंगोली। अब देखते होंगे ना कि जब फेस्टिवल्स आते हैं तो आपके घर में, कोर्टयार्ड में, बरामदे में, घर के एंट्रेंस पे जो है वो रंगोली बनाती हैं लेडीज़। तो ये भी एक बहुत अच्छा आर्ट फॉर्म है रंगोली वाला, और ये फेस्टिवल्स पे इंडिया के ज़्यादातर बहुत सारे पार्ट्स में ये बनाया जाता है रंगोली म्यूरल्स। फिर आता है मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मिनिएचर स्टाइल नाम से ही आप समझ जाओगे कि छोटा करना चीज़ को। मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है डेवलप किया गया मैनुस्क्रिप्ट्स, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हाथ से लिखे गए मैनुस्क्रिप्ट्स, हिंदुइज्म, बुद्धिस्ट, जैनिज्म तीनों में। तो ये मैनुस्क्रिप्ट्स में छोटे छोटे पेंटिंग्स बनाई गई हैं, तो इसको मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। फिर टेक्सटाइल के ऊपर पेंटिंग छठवां पार्ट आता है, छठवां स्टाइल, छठवां मेथड। तो ये छठवां मेथड जो है टेक्सटाइल के ऊपर पेंटिंग करना कपड़े के ऊपर, तो ये भी इंडिया में डेवलप हुआ। और फिर आते हैं सेवेंथ स्टाइल, जो है वो मॉडर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग कह लीजिए। मल्टी कलर, मल्टी डायमेंशनल पेंटिंग होती है इसमें। ऑयल पेंटिंग एक तरीका है, स्प्रे पेंटिंग एक तरीका है, कैनवस पेंटिंग एक तरीका है। आजकल तो लोग कैन से भी प्रिंट कर लेते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसको भी कुछ कहते हैं वो लोग। दीवारों पे कैन से, कलर की कैन लेके पेंट कर लेते हैं, कुछ कुछ लिख देते हैं मतलब। फिर अभी तक तो हम मेथड्स ऑफ पेंटिंग पे थे, अब हम आते हैं स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग किस स्टाइल से करी गई है उसके ऊपर उसको क्लासिफाई करा गया है। तो पेंटिंग स्टाइल जो है वो टाइम के अनुसार बदलता गया, डिफरेंट डायनेस्टीज़ के साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स एसोसिएट हुए, अलग अलग डायनेस्टी में अलग अलग स्टाइल ऑफ पेंटिंग हुए। इंडियन पेंटिंग स्टाइल जो है उसको समय, टाइम और जगह के अनुसार आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा पेंटिंग स्टाइल है। नंबर वन पे आता है पाल स्टाइल, इसके अंदर छह स्टाइल है मेरे ख्याल से। तो नंबर वन पे आता है पाल स्टाइल। पाल राजा जो थे, पाल डायनेस्टी, यह थी बिहार, बंगाल, नेपाल और तिब्बत में, तिब्बत में। इनका मेन सब्जेक्ट था महायाना बुद्धिस्ट सेक्ट। तो यहाँ पे जाटका टेल्स, बोधित्व, ये सब के ऊपर पेंटिंग बनाई जाती थी। कुछ हिंदू मैनुस्क्रिप्ट्स के ऊपर भी पिक्चरें बनाई गई हैं, मैनुस्क्रिप्ट्स के ऊपर भी पिक्चरें बनाई हैं पाल स्टाइल में, और पिक्चर बुक्स भी बनी हैं मिनिएचर टाइप की। ये मैनुस्क्रिप्टियाँ जहाँ पे भी आप बुक्स में करोगे तो मिनिएचर स्टाइल पे ही आपको जाना पड़ेगा, छोटे स्टाइल पे। फिर नंबर टू पे आता है जैन स्टाइल या गुजरात स्टाइल, नोट कर लीजिएगा, जैन स्टाइल या गुजरात स्टाइल। तो डेवलप्ड हुआ था गुजरात में, राजस्थान में और मालवा रीजन में। स्पेसिफिकली गुजरात में पाया जाता है, इसके लिए इसको कहते हैं गुजरात स्टाइल। तो आप जैन स्टाइल या गुजरात स्टाइल, क्यों कहते हैं गुजरात स्टाइल, क्योंकि गुजरात में स्पेसिफिकली ये ज़्यादा मिला था। इसमें मिनिएचर पेंटिंग्स, छोटी छोटी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, पाम लीव्स और मैनुस्क्रिप्ट्स पे ये करी गई हैं। जैनिज्म जो है इसमें स्टाइल के सेंटर पे जैनिज्म है, सब कुछ जैन, महावीर जैनिज्म के ऊपर आधारित है। जैन टेक्स्ट जो है, जो जैन मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, टेक्स्ट हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, कल्पसूत्रा, कल्क अचर्या,
फिर कथा कल्कचर्या कथा, फिर कथा सरिता सरित सागर, ये सब चीज़ के अंदर ये मिनिएचर पेंटिंग्स भी इंक्लूडेड हैं इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर इन जैन ग्रंथों में। थर्ड स्टाइल आता है राजपूत स्टाइल या राजस्थान स्टाइल। तो 10th to 16th century में जो राजपूत राजा थे वो राजस्थान और एमपी में, मध्य प्रदेश में वो स्थापित थे। तो वहाँ से ये डेवलप हुआ है। किंग्स जो थे इसके बहुत कला के प्रेमी थे, तो उनके लाइफस्टाइल को इसमें डिपिक्ट किया जाता है। वहाँ के कस्टम्स को कैसे वो करते थे, कस्टम्स क्या थे, वहाँ की पोशाक अटायर जो वो पहनते थे, कपड़े, फेस्टिवल्स, ये सब राजपूत लोग कैसे करते थे, क्या उनका कल्चर था, वो सब इसमें दर्शाया गया है इन पेंटिंग्स में। उसके अलावा धार्मिक भी थे, राधा कृष्ण जी, कृष्ण भक्ति के ऊपर आधारित थी रासलीला जो कृष्ण जी खेला करते थे, और वहाँ की फोक लाइफ, वहाँ के जो लाइफ जिस तरह से उस ज़माने में थी वो यहाँ पे दिखाया गया है। मेन अट्रैक्शन यही चीज़ है। तो इसको इसके लिए कहा जाता है राजस्थान स्टाइल, क्योंकि राजस्थान के ऊपर मेनली इसको केंद्रित करा गया और उसकी लाइफ स्टाइल और फोक लाइफ की सब के ऊपर केंद्रित करा गया, इसके लिए इसको राजस्थान स्टाइल कहा जाता है। और ये डेवलप हुआ है बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर और जोधपुर, ये सब राजस्थान में ही है, वहाँ पर ये डेवलप हुआ है। और इसमें मिनिएचर स्टाइल और म्यूरल्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ स्टाइल आता है मुगल स्टाइल। मुगल स्टाइल जो है वो इंडियन एंड ईरानियन स्टाइल को कंबाइन करके एक नया इनोवेटिव स्टाइल निकला, उसको कहते हैं मुगल स्टाइल। मतलब ईरान की तरफ से मुगल्स आए इंडिया में, तो ईरान का उसमें थोड़ा सा वो है, और साथ में इंडिया आए तो इंडिया की आर्ट को भी अडॉप्ट किया गया। तो इंडिया प्लस ईरान की आर्ट को मिला के, उनको मिक्स करके, मिश्रण करके जो आर्ट फॉर्म है उसको मुगल स्टाइल कहा जाता है। बहुत ही नए नायाब तरीके की इनोवेटिव स्टाइल की ये आर्ट है। मुगल एम्प्रेस जो थे वो कला के बहुत प्रेमी थे और बहुत आदर सत्कार करते थे कला का, कला में ही डूबे रहते थे। तो आर्ट और पेंटिंग में वो काफ़ी उस ज़माने में बढ़ावा मिला आर्ट पेंटिंग्स को। बाबर हो या शाहजहाँ तक, बाबर के नीचे हुमायूं, अकबर, बीर, ये सब शाहजहाँ तक पूरा वो पेंटिंग्स और ये सब का आर्ट का महाराजाओं ने खूब प्रमोट किया। अकबर ने तो बायोग्राफीज़ भी लिखवाई, पोर्ट्रेट्स भी बनवाए, बाबरनामा भी लिखवाया, और उसमें भी उसने ये कला का यानी कि पेंटिंग्स वगैरह का इस्तेमाल करवाया। जहांगीर ने मुग़ल स्टाइल, जहांगीर के ज़माने में जो था मुग़ल स्टाइल अपने सबसे उछले स्तर पे था, पीक पे था। मंसूर और बिसनदास जो थे वो फेमस पेंटर्स थे जहांगीर के कोर्ट के, जहांगीर के राज दरबार के। इस ज़माने में एनिमल्स यानी कि जानवर, पेड़ पौधे, नेचुरल सीन्स, बर्ड्स, परिंदे, कोर्ट्स, राजा के कोर्ट्स, लड़ाइयाँ, वॉर्स, हंटिंग जब वो शिकार पे जाते थे वो, फिर एनिमल फाइट्स, जानवरों को आपस में लड़ते हुए देखने का, ये सब के ऊपर पेंटिंग्स बनी बना करती थी। और इसमें रॉयल एलिगेंस दिखाया जाता था, कोर्ट कैसा नायाब है, कितना अच्छा कोर्ट है, ऐसी सब चीज़ें दिखाई जाती थी। इसके लिए इसको कोर्ट आर्ट भी कहते हैं, मुगल स्टाइल को कोर्ट आर्ट भी कहते हैं, कोर्ट यानी राज दरबार, तो कोर्ट आर्ट या मुगल स्टाइल, ये चार स्टाइल हो गए आपके। अब हम पांचवें स्टाइल पे जाते हैं। पांचवा स्टाइल है कांगड़ा। कांगड़ा कहाँ पे है? ये कांगड़ा स्टाइल जो है इंडियन पेंटिंग का है, ये हिमालय में डेवलप हुआ। किसके द्वारा? राजस्थान एंड मुगल पेंटर्स जो थे उन्होंने हिमालय में जाके ये डेवलप किया, क्योंकि वहाँ पे उनका राज्य चल रहा था तब।
तो इसको ये डेवलप हुआ वहाँ के कांगड़ा, कुल्लू, गढ़वाल, चंबा, मंडी, ये सब जगह पर यही इसके मेन सेंटर्स बने कांगड़ा स्टाइल के। मोला राम ग्रेट पेंटर थे इस स्टाइल के। इसमें मेन ब्यूटी, जो मेन चीज़ जिसके ऊपर ये सारी कांगड़ा स्टाइल की पेंटिंग्स होती थी, वो था हिमालय की सुंदरता, भगवान श्री कृष्ण के तरफ डिवोशन और भगवान श्री कृष्ण के तरफ के ऊपर में पेंटिंग्स केंद्रित करी गई। सेंटर उसका हिमालय, भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण की भक्ति। तो अब छठवां स्टाइल आता है। छठवां स्टाइल जो है उसमें हमने बहुत सारे स्टाइल इकट्ठे कर दिए, पांच स्टाइल तो आपको बता दिए, अब छठवां जो है उसमें बहुत सारे स्टाइल बता दिए, उसमें किसी में डीप में नहीं जाना, सिर्फ स्टाइल और किस जगह का है वो। तो मिथिला पेंटिंग स्टाइल, बिहार, मधुबनी पेंटिंग स्टाइल भी इसको कहते हैं, कालमकरी पेंटिंग, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, कालमकरी पेंटिंग स्टाइल आंध्र प्रदेश से आया है। फिर आता है पैट पेंटिंग स्टाइल, ये ओडिशा से आया है। फिर आता है फाड पेंटिंग स्टाइल, राजस्थान का है। गौंड पेंटिंग स्टाइल संथाल ट्राइब का है, आदिवासी ट्राइब संथाल का है। वर्ली पेंटिंग स्टाइल महाराष्ट्र की ट्राइब्स का है। पिथोरा पेंटिंग स्टाइल गुजरात का है। कालीघाट पेंटिंग स्टाइल बंगाल। अभी नोटेबल पेंटर्स के बारे में हम बताएं तो इसके बाद में फिर से भी बताएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन फ़िलहाल आपको बता देते हैं कि इंडिया के जो नोटेबल पेंटर्स हैं उसमें राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे इस तरीके के बहुत सारे पेंटर्स हैं इंडिया में। अभी गुजरात के पेंटर्स की बात करें तो कलागुरु श्री रविशंकर, फिर एम रावल, रमेश भाई पंड्या, ये सब कुछ रिनाउंड पेंटर्स हैं गुजरात के। लेकिन इसके अलावा जो हम अभी आपको पढ़ रहे हैं जो चैप्टर, उसमें बहुत सारे अनजान एनोनिमस पेंटर्स भी का भी कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से इंडिया का नाम फेम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ है उनके कंट्रीब्यूशंस, उनके पेंटिंग्स के वजह से। क्या आपको पता है हमने यहाँ पे एनोनिमस क्यों बोला? कि आपको बताया कि 7000 BC में भीमबेटका के गुफाओं में किसने पेंटिंग करी थी, उनका नाम बताइए। नहीं बता सकते ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं एनोनिमस। अजंता एलोरा में 2000 BC में किसने पेंटिंग करी थी, नाम बताइए उनका। नहीं बता सकते ना, तो इसके लिए हम एनोनिमस बोल रहे हैं। अनजान लोगों की वजह से भी इंडियन आर्ट का बहुत बड़ा ऊपर उठाया गया है, उनका बहुत बड़ा योगदान था इन एनोनिमस पर्सन का इंडियन आर्ट में। तो अभी और हम आपको नोटेबल पेंटर्स बता देते हैं इंडिया के। नोटेबल पेंटर्स जो हैं उसमें नंदलाल बोस, जेमिनी रॉय, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, एक ही नाम है देवी प्रसाद रॉय चौधरी, मिस अमृता शेरगिल, MH बेंड्रे, जगन्नाथ अहिवासी, अंजलि इला मेनन। और गुजरात के कुछ इम्पोर्टेंट पेंटर्स, नोटेबल पेंटर्स के अगर नाम ले तो रमेश भाई पंड्या, फिर हाकू भाई शाह, पीराजी सगारा, सीडी मिस्त्री, वृंदावन सोलंकी, शेवाक्ष चावड़ा, श्यावक्ष चावड़ा, तैयब मेहता, हिम्मत शाह, भूपेन खक्कर, नाटू परेख, रसिकलाल परेख, सोमालाल शाह, खोड़ीदास परमार, HL खत्री। नहीं, हमारे सभी प्रोनाउंसिएशन में, नाम की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है, तो उसको नज़रअंदाज करिएगा, जो सही प्रोनाउंसिएशन है आप वही लीजिएगा। फिर अब हम कुछ जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पेंटर्स हैं और जो जिनका इंडियन पेंटिंग्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है
उनके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। जैसे हमने बात करी थी अभी कला गुरु रविशंकर रावल के बारे में, तो ये इनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, तीन चार पेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इन्होंने अपनी आर्ट एजुकेशन जो थी मुंबई से प्राप्त करी, अपनी कर्म भूमि वर्क प्लेस अहमदाबाद को बनाया और इन्होंने पूरे गुजरात को डायरेक्शन दिया पेंटिंग में। तो शिक्षा प्राप्त करी मुंबई से, कर्म भूमि बनाई अहमदाबाद, और जो इन्होंने काम किया वो पूरे गुजरात भर को प्रेरित किया पेंटिंग की दिशा में। ये फर्स्ट गुजराती थे जिन्होंने अपनी पेंटिंग, जो इनका पेंटिंग का नाम था बिल्वा मंगल जो थी राजपूत स्टाइल की फ्लैट कलर्स में पेंटिंग थी, तो पहले गुजराती थे जिन्होंने अपनी पेंटिंग को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के एनुअल आर्ट एग्जिबिशन में रखा। वो पेंटिंग का नाम था बिल्वा मंगल और ये राजपूत स्टाइल की फ्लैट कलर्स की पेंटिंग थी, और ये जो है इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। फिर 1942 में इन्होंने एक मंथली, एक पीरियोडिकल, एक मैगजीन चालू किया जिसका नाम था कुमार, और कुमार में ये लोगों को कुमार के ज़रिए से, इस मैगज़ीन के ज़रिए से लोगों को इंट्रोड्यूस कराते थे पेंटिंग्स, और पेंटिंग के पीछे कौन आर्टिस्ट छुपा है, किस आर्टिस्ट की पेंटिंग है, उससे लोगों को अवगत कराते थे, लोगों को इंट्रोड्यूस करते थे, ये पेंटर है जी, ये पेंटिंग बनाता है, ऐसी बनाता है। वो मैगज़ीन चलाना शुरू किया कुमार, ताकि नए नए पेंटर्स को जो है उनको भी प्रोत्साहन मिले और लोगों को कला का वो पता चले कि क्या होती है कला, क्या होती है पेंटिंग। इन्होंने आर्ट कल्चर जो है वो गुजरात में लोगों को में इंड्यूस करने की, इनकल्केट करने की कोशिश करी और लोगों का इंटरेस्ट और अवेयरनेस क्रिएट करने की, लोगों को जागरूक करने की और उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करी आर्ट के प्रति, उसमें से भी पेंटिंग के प्रति। गुजरात कला संघ इन्होंने स्टार्ट किया जिसमें ये फ्री ट्रेनिंग देते थे गुजरात के यूथ को, जो यंग बच्चे थे गुजरात के उनको। मार्च 12, 1922 को अहमदाबाद कोर्ट में, जिसको आज के दिन सर्किट हाउस शाहीबाग कहा जाता है, तो वहाँ पे गांधी जी और शंकर लाल बैंकर जी का केस चल रहा था, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, उनको ट्रिशन के लिए मुकदमा उनके ऊपर चल रहा था। रविशंकर रावल जी ने ये मुकदमा, ये हिस्टोरिकल इवेंट देखा और इसको पेंट भी करा। ये पेंटिंग इनकी बहुत फेमस हुई है, इसकी फ़ोटो दी हुई है आपके चैप्टर में, हमने आपको इस पेंटिंग के बारे में जो हमने डिटेल में बनाया हुआ उसमें भी आपको दिखाया हुआ है, उस वीडियो में भी दिखाया हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजा रवि वर्मा 1848 से लेके 1906 AD, इनके नाम के आगे राजा क्यों आता है, क्योंकि ये रॉयल फैमिली को ही बिलोंग करते थे, तो राजा के परिवार से संबंध रखते थे, इसके लिए ही इनका नाम राजा है, राजा रवि वर्मा 1848 से 1906। ये किली मन्नूर विलेज केरला में पैदा हुए, आजकल केरला में है ये विलेज, और उनके ज़माने में फील्ड ऑफ आर्ट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो था वो वेस्टर्न आर्ट का इन्फ्लुएंस था। तो आर्ट की एजुकेशन और गाइडेंस जो है इन्होंने श्री रामास्वामी नायडू से ली, उसके अलावा थियोडोर जेंसन और यूरोपियन ग्रे गेस्ट पेंटर्स जो आए हुए थे रॉयल फैमिली के, उनसे इन्होंने पेंटिंग की थोड़ी बहुत एजुकेशन ली, थोड़ी बहुत या ज़्यादा जितनी भी ली उन्हीं से ली, और इन सब से एजुकेशन लेने के बाद में इन्होंने अपना खुद का एक डिस्टिंक्टिव सेपरेट स्टाइल बनाया। ये पोर्ट्रेट बनाते थे जो एक यूनिक अचीवमेंट थी उस ज़माने में, और इनकी टेक्निक जो है, यहाँ पर टेक्निक ऑफ पेंटिंग जो है वो इमोशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्होंने टेक्निक ऑफ पेंटिंग को दी।
ये हाईली इनको जो प्रशंसा मिली, इनकी ऑयल पेंटिंग्स जो फोकस करती थी ओकेजन के ऊपर, कोई फेस्टिवल चल रहा है या कोई चीज़ चल रही है, कोई ओकेजन चल रहा है उसके ऊपर फोकस रहती थी, और माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स जो थे पुराने ज़माने के जो स्क्रिप्चर्स थे उनके ऊपर और संस्कृत लिटरेचर के कैरेक्टर्स के ऊपर इनकी सारी पेंटिंग्स आधारित थी। विराट दरबार, गंगा अवतरण, उर्वशी, शाकुंतला, ये इनकी कुछ जानी मानी पेंटिंग्स हैं। फिर पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इस तरीके की है इनकी जानी मानी पेंटिंग्स। लेकिन राजा रवि वर्मा जो है ये 1894 में इन्होंने एक लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करी। ये इन्होंने जो एक स्टार्ट करी ना इंडिया में, ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट था। और ये प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने इस्टेब्लिश करी घाटकोपर मुंबई में। इसमें इन्होंने क्या किया कि हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, हिंदुओं के जितने भी देवी देवताएं हैं उन सब की इन्होंने पिक्चरें जो हैं, पेंटिंग्स पिक्चरें बना के उसको प्रिंट करके आम आदमी तक बहुत ही लो दाम पर, बहुत ही कम दाम पे, नॉर्मल प्राइस पे पहुंचाया और घर घर में भगवान जी की फ़ोटो या पेंटिंग पहुंच गई। वो सब कैसे हुआ? इनकी लिथोग्राफिक प्रेस मुंबई घाटकोपर मुंबई में इन्होंने जो एस्टैब्लिश करी वहां से। फिर महाराजा सयाजीराव गायकवाड वडोदरा के और साथ में भावनगर के जो राजा थे, रॉयल्टी थे, राज परिवार, उन्होंने इनको, राजा रवि वर्मा को इनवाइट किया कि आप आइए हमारे साथ रहिए, रॉयल फैमिली की, हमारी रॉयल फैमिली की, और कुछ माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स यहाँ पे बनाइए, आप हमारे मेहमान नवाजी स्वीकार करिए और हमारी पेंटिंग्स भी बनाइए, माइथोलॉजी की पेंटिंग्स भी बनाइए। तो इनकी पेंटिंग्स जो इन्होंने बनाई हुई हैं वो त्रिवेंद्रपुरम म्यूज़ियम में हैं, फिर फतेह सिंह राव आर्ट गैलरी वडोदरा में है, और दरबार जामनगर, ये सब जगह पे इनकी पेंटिंग्स संरक्षित करी गई हैं, यानी कि प्रिजर्व करी गई हैं, बचा के रखी गई हैं। इनको केसर ए हिंद का भी ऑनर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, और किंग ऑफ आर्ट इनको बुलाया जाता है। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है इंडिया के हेरिटेज के लिए, इंडिया की जो पुरानी आर्ट है उसके प्रति बहुत बड़ा योगदान है इसको, इनको इसके लिए राजा रवि वर्मा को किंग ऑफ आर्ट भी कहा जाता है, वैसे भी राज परिवार के ही थे। फिर दूसरे नंबर पे नोटेबल पेंटर्स में हम आते हैं जिनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान रहे हैं, वो है रविंद्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 AD। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, नोबेल प्राइज पेंटिंग के लिए नहीं जीता था, इन्होंने एक काव्य रचना करी थी, यानी कि पोएम करी थी गीतांजलि, जो है एपिक पोएम है, तो ये पोएट भी है, ये बहुत ही ज़्यादा नेचर के प्रेमी थे और बहुत ही कलात्मक आदमी थे, सिर्फ पेंटिंग और ये पोएम लिखने के ऊपर नहीं थे, ये बहुत सारी चीज जिसमें भी ये थे वो सब आर्ट की चीज़ें थी, लेकिन बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और बहुत ज़्यादा गिफ्टेड आर्टिस्ट थे, उसमें से गिफ्टेड पेंटर भी थे, मतलब भगवान की असीम, भगवान ने इनको कला में तो ऐसा निपुण कर दिया था कि हर तरह की कला में निपुण थे, बहुत अच्छे एक्सपर्ट थे हर तरह की कला में, और उसमें से जो पेंटिंग है उसमें भी बहुत एक्सपर्ट थे। इन्होंने शांति निकेतन स्टार्ट किया था जो लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग सब चीज़ का, बहुत सारी आर्ट्स का कॉम्बिनेशन था, कॉन्फ्लुएंस था, वहाँ पे सारी चीज़ों का मिलन होता था, जैसे त्रिवेणी में तीन नदियाँ मिलती है वैसे यहाँ पे बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स आपस में मिलते थे शांति निकेतन में, इसको कॉन्फ्लुएंस ऑफ लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा कहा जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को भीष्म पितामह ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट भी कहा जाता है। भीष्म पितामह महाभारत में आप जानते ही हो, तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको भीष्म पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऐसा समझ लीजिए, भीष्म पितामह बहुत ही शक्तिशाली बलवान, बहुत ही
सारी विद्याओं में बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही निपुण स्पेशलाइज थे सारी टाइप की विद्याओं में उस ज़माने की। तो उस तरह का इनको भीष्म पितामह कहा जाता है। और इन्होंने अपना एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल पेंटिंग का बनाया, वो पूरा ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट और वेस्टर्न से टोटली अलग था, टोटली फ्री था। इन्होंने 2000 से ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई। उनकी पेंटिंग्स जो है वो उसमें दिखाया जाता था फ्लो ऑफ लाइंस, कलर्स में ताजगी, नए टाइप के कलर्स यूज़ करते थे, दुनिया जो इनके कैरेक्टर्स होते थे उनके इमोशंस वहाँ पे झलक के आते थे इनकी पेंटिंग्स में। बहुत अच्छा इनका पेंटिंग का स्टाइल था। ये सब संग्रह करके रखा हुआ, आर्चिव करके रखा हुआ शांति निकेतन में, रविंद्र भवन में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में भी। कोई इनको सिस्टमेटिक ट्रेनिंग नहीं दी गई थी पेंटिंग की या किसी और आर्ट की। यहाँ पे हम पेंटिंग के साथ केंद्रित हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पेंटिंग में कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी इसको इनको, लेकिन इनको बेसिकली किसी भी आर्ट में कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। ये सेल्फ मेड थे, भगवान का आशीर्वाद था, भगवान ने इनको कला से डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बना दिया था। तो बहुत ही कीन सेंसिटिविटी था, इंट्यूशन था और क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। भी हम आते हैं अभी तक जो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे, अब आगे भी टैगोर ही है, लेकिन अबिंद्रनाथ टैगोर, अबिंद्रनाथ टैगोर, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर ही जान लीजिएगा। स्पेलिंग देख लीजिए इनका, अबिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, 1871 से लेके 1941। तो रविंद्रनाथ टैगोर 1861 से लेके 1941, तो स्टार्ट इनका पैदा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर से 10 साल बाद, लेकिन एंड वाला साल दोनों का एक ही 1941 एडी, रविंद्रनाथ और अरविंद्रनाथ टैगोर का 1941 में ही तक ही रहे। ये बंगाल में बॉर्न हुए थे, पैदाइश इनकी बंगाल की थी। स्टडी किया था इन्होंने इंडियन, मुगल, तंजोर, चाइनीज, जापानीज पेंटिंग स्टाइल, बहुत ही डिटेल में इन्होंने उनका अध्ययन किया था, स्टडी किया था। इन्होंने अपनी गाइडेंस ली थी वेस्टर्न पेंटर्स से और एक नया स्टाइल बनाया पेंटिंग का, एक नई दिशा दी इंडियन पेंटिंग को। इनकी पेंटिंग्स में जो दर्शाया गया है वो है इंडिया का एनवायरमेंट और सेंटिमेंटालिटी। इनके पेंटिंग जो है वो इन्होंने, क्योंकि बहुत सारी पेंटिंग स्टाइल सीखी थी और उसमें से एक जापनीज स्टाइल भी सीखा था, तो जापनीज वॉश मेथड से जो पेंटिंग बनाते थे उससे एटमॉस्फेयर का गहराई भी दिख जाती थी इनकी पेंटिंग्स में और कैरेक्टर्स भी उभर के आ जाते थे। इन्होंने शुरुआत करी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट पेंटिंग्स को प्रमोट करने के लिए। जो इनका स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वो उस ज़माने में जो फेमस हुआ वो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का स्टाइल के नाम से फेमस हुआ। तो ये था अभी तक का सारा सफ़र आपका इस चैप्टर का, आर्ट इन मॉडर्न इंडिया का। तो होप करता हूँ आपको बहुत काम आएगा ये। तो इसी के साथ हम एंड ऑफ द चैप्टर पे पहुंच गए हैं। अंटिल द नेक्स्ट चैप्टर, सी यू अगेन, अंटिल देन बेस्ट ऑफ लक।